दोस्तों, क्या कभी पृथ्वी का अंत होगा? अरे होगा तो कब होगा और कैसे होगा? ये वो कुछ सवाल है जिनका जवाब साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में ढूंढ रहे हैं, तो वहीं एस्ट्रोलॉजर्स अपने नंबर्स में। पृथ्वी के अंत को लेकर इतिहास में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन अब तक वो सब की सब झूठ ही साबित हुई है। पर जो अब तक नहीं हुआ वो भविष्य में ना हो, ऐसा जरूरी भी नहीं। और दुनिया भर में हो रही ये घटनाएं क्या किसी प्रलय से कम है? ये नेचुरल कैलामिटीज बार बार हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या पृथ्वी अपने अंत की ओर बढ़ रही है? और जहां हमसे 10 गुना बड़े डायनासोर्स का भी अंत हो गया, तो क्या उसी तरह पृथ्वी पर से मानव जीवन का भी अंत हो जाएगा? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल घूम रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को टकटकी लगाकर देखते रहिए, क्योंकि हम और आप आज मिलकर जानेंगे कि कैसे होगा पृथ्वी का अंत। Facts on your face. 12 दिसंबर 2012। दोस्तों, भविष्यवाणियों पर यकीन करने वाले दुनिया भर के लाखों लोग इस दिन की सुबह इस डर के साथ उठे कि आज दुनिया का अंत हो जाएगा, और कुछ तो इस डर में रात भर सो भी नहीं पाए कि कहीं कोई प्रलय रात की नींद में ही उनकी जान ना ले ले। कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, और कई लोग अपना काम धाम छोड़कर अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने में लग गए। दरअसल ये भविष्यवाणी की गई थी कि 12 दिसंबर 2012 के दिन दुनिया का अंत हो जाएगा, और 2011 में चर्चा में आई मायन सभ्यता की इस भविष्यवाणी के बारे में बता बता कर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स ने दुनिया के खत्म होने के डर को लोगों के मन में बिठा दिया। मॉडर्न और क्लासी कहे जाने वाले हॉलीवुड सिनेमा ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा, और इस पर 2012 के नाम से एक फिल्म बनाकर इस टॉपिक से खूब पैसे बनाए। फिल्म में दिखाए प्रलय के भयानक मंजरों ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। पर 12 दिसंबर 2012 का दिन आया और किसी भी और आम दिन की ही तरह बीत भी गया, और ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई। खैर, ये पहली बार या फिर आखिरी बार नहीं था जब दुनिया के अंत का दावा किया गया था। ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चेन उर्फ चेन ताओ या टू ने भी ईसाई और बौद्ध धर्म को आधार मानकर ये घोषणा की थी कि 25 मार्च 1988 को भगवान यानी कि गॉड खुद धरती पर आकर तबाही की घोषणा करेंगे, और उसी साल पृथ्वी का अंत होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह एंड टाइम प्रोफेसीज नाम की एक संस्था ने 29 जुलाई 2016 को पूरी दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणी की थी, जो भी जाहिर है झूठी साबित हुई। लेकिन जैसे बसंत के मौसम में पेड़ों पर आने वाले नए पत्ते भी पतझड़ में झड़ जाते हैं, महंगी से महंगी मशीन भी कुछ समय बाद खराब हो जाती है, और जब इन विशालकाय डायनासोर्स का अंत हो गया, तो मानव जाति की बिसात ही क्या है। 2060 में होगा दुनिया का अंत। दोस्तों, 1727 में आइजैक न्यूटन के निधन के बाद उनके घर से उनकी कुछ चिट्ठियां और नोट्स बरामद हुए, जिन्हें 1936 में हुई एक नीलामी में इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने खरीद लिया था, और बाद में इन्हें एक स्कॉलर ने सीक्रेट्स ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब में डाल दिया। इन्हीं में से एक नोट दुनिया के अंत के बारे में था, जिसकी कैलकुलेशन न्यूटन ने ईसाई धर्म की एक किताब बुक ऑफ डैनियल के बिना पर की थी, और इसमें लिखा था, अगर इंसान ये सोचता है कि वह हमेशा के लिए रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा और दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। न्यूटन ने अपने इसी नोट में कैलकुलेशन करके पृथ्वी की उम्र को 800 AD के बाद 1260 साल और प्रिडिक्ट किया था, और इस तरह उनका दावा था कि सन 2060 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और अगर ये खत्म नहीं भी होती तो भी ये वो साल होगा जब दुनिया के अंत की शुरुआत होगी। 600 सालों में पृथ्वी बन जाएगी आग का गोला। 221st सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने निधन से पहले दुनिया के अंत की प्रिडिक्शन की थी, और इनकी ये प्रिडिक्शन बिना आधार वाली कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि स्पेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर और धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों पर चल रही हलचल के बेस पर की गई थी। स्टीफन हॉकिंग का कहना था, इंसान धरती पर और 1000 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। वहीं उन्होंने अपनी एक प्रेडिक्शन में ये भी कहा था कि जिस तरह पृथ्वी गर्म हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 600 सालों के अंदर माने कि सन 2600 तक पृथ्वी एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। इसके लिए स्टीफन हॉकिंग ने तर्क दिया था कि बेतहाशा बढ़ती आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बढ़ती जाएगी, जिससे धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये ग्रह गर्म होकर एक लाल गोले में बदल जाएगा। उनका कहना था
कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान भी शुक्र ग्रह के बराबर हो जाएगा, जिससे पूरी धरती पर एसिड रेन होने लगेगी। ऐसे में अगर इंसानों को अपने अस्तित्व को बचाना है तो उन्हें जल्द से जल्द दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन की खोज करनी होगी। और दोस्तों बता दें कि नासा के वैज्ञानिक भी शुक्र ग्रह पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का तर्क है कि आज के वक्त में सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लैनेट वीनस का तापमान भी कभी पृथ्वी की तरह ही हुआ करता था, और यहाँ पर भी कभी पानी हुआ करता था जो फिर गर्मी के कारण सूख गया, और पानी था तो संभव है कि यहाँ जीवन भी होगा। माने कि शुक्र ग्रह की ये गुत्थी सुलझ जाती है तो पृथ्वी पर जीवन का अंत कैसे होगा, इसका जवाब भी हमें मिल जाएगा। अब इन सब के अलावा इनफेमस फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्रेडामस की माने तो पृथ्वी का अंत सन 5080 में होगा। दोस्तों नोस्ट्रेडामस पर यकीन करने वाले उनकी भविष्यवाणियों को 21st सेंचुरी की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं और दावा करते हैं कि जब हिटलर से लेकर वर्ल्ड वॉर तक की उनकी भविष्यवाणियां सच हुई हैं, तब ये भी सच ही साबित होगी। बस हमें 3000 साल तक इंतजार करना है। खैर एस्ट्रोलॉजर्स और वैज्ञानिकों के बीच इसका सही अंदाजा लगाने की होड़ तो लगी ही रहेगी कि पृथ्वी का अंत कब होगा, लेकिन अगर आप ये सोचकर अब निश्चिंत होने वाले हैं कि दुनिया के खत्म होने में अभी बहुत वक्त है और तब तक तो हम खुद ही जिंदा नहीं रहेंगे, तो हमें क्या लेना देना। तो आपको याद दिला दूं कि आज हमारा ग्रह मेजर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, भुखमरी और महामारी की मार झेल रहा है, जो अपने आप नहीं पृथ्वी के ना सही लेकिन इंसानों के अंत की ओर इशारा जरूर कर रहा है। और हम जिस तरह अपने हाथों से ही कुदरत का गला घोट रहे हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि पृथ्वी के अंत को लेकर ये भविष्यवाणियां कभी भी सच हो सकती हैं। खैर आपको क्या लगता है, कितना वक्त बचा है इंसानों या फिर प्लैनेट अर्थ के पास, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहें, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।